हरे कृष्णा हरे बोल जय गो माता जय ग्वाल गोपाल गाँव ईश्वर से माता माता स्वरूप नाम गाँव ईश्वर से सुख प्रदा आयु प्रभु। तो आज इस्कॉन तलाशरी मतलब नीलाचल धाम गौशाला और फार्म वसाहत, तो प्रभु जी आए और कांग्रेगेशन डिवोटी भक्त लोग मुंबई से आए, वो आज संडे है ना, संडे को लेकर। तो उमर गांव के पास भी वेवजी में एक गौशाला है हमारी, जो 100 गाय कतल खाने से बचाया हुआ है, देसी गौवंश कोकणी गौवंश। तो कांग्रेगेशन डिवोटी सब भक्त लोग आए मुंबई से, तो उनका रुचि बढ़ा कि आज जब तो करेंगे ही, सब प्राकृतिक संपदा भी देखेंगे, सेवा भी करेंगे। तो प्रैक्टिकली तौर पर यहाँ आप गौशाला में देख सकते हैं कि सब भक्त लोग सेवा में लगे हैं, माता जी लोग प्रभु जी लोग और अच्छी तरह से रुचि ले रहे हैं। तो ये शहरी जो भक्त लोग हैं, शहर में रहते हैं इस्कॉन के जरिए, वो कांग्रेगेशन डिवोटी मतलब गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ भक्त जन है, तो वो लोग आके यहाँ सेवा करते हैं। तो एक मैसेज देना चाहिए, इसके पीछे एक मैसेज है, ये संदेश भेजना चाहते हैं, भगवत संदेश, भगवत दर्शन। तो ये संदेश ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, वानप्रस्थी हो, कोई भी, तो उसको सेवा करनी चाहिए गौ जी। तो खासतौर से गृहस्थों को लागू होता है कि शहर में रहते हैं, टाउन में, स्मॉल टाउन, बिग टाउन, कहीं पर भी रहते हैं, तो गृहस्थों को गौ सेवा करनी चाहिए, लगना चाहिए। प्रैक्टिकली तौर पर आप देख सकते हो, ये माता जी झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडल लोग सेवा नहीं कर सकते, माता जी देखो रुचि बढ़ गया है, ये सब इस्कॉन के जरिए हो रहा है, प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। प्रभुपाद ने आशा अपेक्षा रखी थी हमसे, कृषि गोपालन भूमि भगवान आधारित जीवन फार्म कम्युनिटी। तो ये प्रैक्टिकली तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे दैवी वर्णाश्रम की स्थापना से पहले उनका शुभारंभ हो रहा है। प्रभुपाद चाहते थे पूरा विश्व में दैवी वर्णाश्रम की स्थापना हो और कृषि गोपालन भूमि भगवान आधारित पूरा विश्व इसमें लगे, इसलिए प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया समाहित हो। तो ये प्रॉपर इसका ये है कि इसके जरिए वो लोग रुचि बढ़ेगी और आएंगे और समाहित होंगे। तो शहरी लोग या गांव के लोग, स्मॉल टाउन, बिग टाउन, अपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, बंगलो, डुप्लेक्स, प्लाजा, कहीं पर भी आप रहते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन सेवा में लगी ये लोग बड़े बड़े हाई सोसाइटी सोसाइटी के लोग हैं, सेवा कर रहे हैं, तो लगना चाहिए। गाँव वालों को तो इसे ही सीखना चाहिए कि शहरी लोग सेवा में कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। तो ये गौ सेवा सीखनी चाहिए, झाड़ू लगाना, गोबर उठाना, ये लारी में देखो, ये प्रभु जी ये पकड़ेंगे लारी और सेवा करेंगे, ये ले जा रहे हैं, ले जाइए आराम से। तो ये देखो ऐसे गोबर उठा के, गाय के गोबर को तो छूना ही पड़ेगा, अब डीएपी यूरिया बहुत छू लिया और बहुत सारा जमीन बर्बाद भी कर दिया, अब गाय के गोबर को छूओ, जाके वहाँ खड्डे में डालेंगे, वहां से फार्म में जाएगा। तो गाय का गोबर, एक गौमय वसते लक्ष्मी, गौमूत्र से धन्वंतरी, तो ये गौमूत्र में धन्वंतरी भगवान का वास है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास।